मौजूदा बजट 2020 में शराब और बियर के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में शराब से जुड़े पेय पदार्थों में सेस की दर 100% बढ़ा दी है। जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद शराब की कीमतों में भारी इजाफा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि शराब और अन्य पेय पदार्थों में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा। इसके जरिए अब शराब जो है महंगा होता दिख रहा है। इस बार जो बजट पेश किया गया है इसकी कुछ खास बातें आज हम आपको बता देते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट 2021 में कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है। पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस लगाया गया है। डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस लगाया गया है। अगर बैंक डूबे तो 5 लाख रुपये सुरक्षित रहेंगे आपके। मान लीजिए अगर आपके बैंक खाते में 20 लाख रुपये जमा है और अगर बैंक पैसा लेकर भाग गया तो सरकार आपको सिर्फ 5 लाख रुपये दे सकती है। गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या बढ़ जाएगी। गेहूं की MSP 1.5 गुनी बढ़ा दी गई है। 7 साल में 2 गुना से ज़्यादा धान खरीद सकते हैं। किसानों को उनकी फसल के लिए MSP से 1.5 गुना ज़्यादा कीमत दी जाएगी। किसानों को 75,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विनिवेश में कामों में तेजी और लाई जाएगी। BPCL कॉनकोर को भी सरकार बेचेगी। इस वित्त वर्ष में LIC का IPO लाया जाएगा। बैंक की NPA समस्या से निपटने के लिए AMC बनाने का ऐलान हुआ है। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 5,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैंक की NPA की समस्या से निपटने के लिए बैड बैंक बनाने का ऐलान किया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% FDI को मंजूरी मिली है, यानी अब इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें 74% विदेशी निवेश आ सकता है। ये जहां एक और पहले सरकारें विरोध करती रही हैं तो अब जो है इंश्योरेंस सेक्टर में 74% FDI को मंजूरी दे दी गई है। ग्राहकों पर अब मर्जी से पावर डिस्ट्रीब्यूटर चुनने का अधिकार होगा। उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ महिलाओं को फायदा पहुंचा है। अब 1 करोड़ नए लोगों को और जोड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है। 7 बड़े पोर्ट्स प्रोजेक्ट को PPP के तहत दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022 में विनिवेश के जरिए 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य भी रखा गया है। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।